कंडाघाट के तहत पड़ने वाली नगाली पंचायत की माध्यमिक पाठशाला कन्नौड़ी में मंगलवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में सोलन भाजपा नेता राजेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सोलन भाजपा मंडल महामंत्री मदन ठाकुर और झाझा पंचायत के पूर्व प्रधान योगेंद्र वर्मा विशेष रूप से। कंडाघाट के तहत आने वाली माध्यमिक पाठशाला कन्नौड़ी में मंगलवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के पहुंचने पर स्कूल स्टाफ द्वारा उन्हें फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश कश्यप ने स्कूल के इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह पर स्कूली बच्चों को बधाई दी और स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। कंडाघाट सब डिवीजन के तहत कनोड़ी गांव में कनोड़ी माध्यमिक पाठशाला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था। यहाँ के बच्चों ने बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया और यहाँ के जो इंचार्ज है उन्होंने जो वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी उसके माध्यम से ये मालूम होता है कि ये स्कूल बहुत ही आगे जो है बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ के दो छात्र जो है जिला में जो मैथमेटिक्स के ऊपर एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें द्वितीय आए हैं और SCERT में भी जो एक दूसरी प्रतियोगिता हुई है वहाँ पर भी यहाँ का एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आया है। तो ये इन चीज़ों से ये लगता है कि जो हमारे देहात के जो स्कूल है जहाँ पे अटेंडेंस बहुत कम है, लेकिन यहाँ के जो टीचर्स हैं यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने यहाँ के छात्रों को बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड किया है और ये स्कूल जो है आज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री माननीय सुरेश भारद्वाज जी के दिशा निर्देशन में जिस तरह से स्कूल में जो प्री स्कूल जो चाइल्ड है उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है उससे ये मैं समझता हूँ अगले वर्ष यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।